subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन नए न्यूज। और आज की जो बड़ी खबर है वो है बिहार से। बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं बीजेपी से बगावत कर ली है और उन्होंने खुला मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के ऑफिस के बाहर उन्होंने कहीं ना कहीं मोर्चा खोले बैठे हैं और वो कह रहे हैं, अड़े हुए हैं कि अगर जो पार्टी के बताया जा रहा है कि पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं रोहित पांडे को हटाने की मांग की है, उन्होंने कहा है असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं रोहित पांडे और उनको जिला अध्यक्ष पद से हटाया जाए। लेकिन वहीं रोहित पांडे हैं उनका भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मुझे ये बोला जाए कि मैं अपने पद को छोड़ूं, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार में अगर बीजेपी के कार्यकर्ता ही भड़क जाते हैं तो फिर क्या होगा, क्योंकि नीतीश सरकार चाह रही है कि 2 साल पहले चुनाव कर लोकसभा चुनाव के वक्त ही विधानसभा चुनाव करवाना चाहती है। ऐसे में अगर बीजेपी के अंदर ही कलह मचेगी तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन चलेगा या फिर बहुत बड़ी भसड़ हो सकती है इन राजनीतिक पार्टियों के बीच। अब क्योंकि जिलाध्यक्ष पद को लेकर के जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि अगर बीजेपी के खुद ही लोग असंवैधानिक काम करेंगे, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तो शायद वो भूल गए हैं। वही कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि वो जो ब्रजेश जो रोहित पांडे हैं उनको हटाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं मुहिम चला दी है और जिलाध्यक्ष कार्यालय जो जिला कार्यालय है बीजेपी का उसके आगे धरना दे रहे हैं कि उनको हटाया जाए। उनके खिलाफ कई अनियमितताएं आई हैं, उसके लिए उनको दोषी ठहराया गया है। लेकिन सवाल फिर वहीं घूम फिर के आता है कि बीजेपी जिस चीज़ का सपना देख रही है 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को फिर से लाने की सोच रही है और बिहार में हर राज्य में कहीं ना कहीं बीजेपी अपना सत्ता स्थापित करना चाहती है और उसी को लेकर के अब इतनी बड़ी गहमा गहमी हो रही है कि बीजेपी अपने ही खेमे में लड़ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो अपने ही लोगों को कहीं ना कहीं इस तरीके से दोषी ठहरा रहे हैं कि वो अब इसमें खैर रोहित पांडे हैं वो कितने दोषी हैं कितने नहीं हैं ये तो खैर पार्टी अपना डिसीजन लेगी, पार्टी उसी की जाँच करेगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। लेकिन बिहार के अंदर क्या बीजेपी की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? बिहार में अगर बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव को जेल हो गई है और तब भी सियासत बहुत ऊपरी लेवल पर गर्मा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं लालू के पार्टी के लोग भी शांत नहीं बैठेंगे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बीजेपी से दिक्कत है। उनका जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव को अगर जेल भेजा गया है तो वो बीजेपी सरकार की एक रणनीति है उसके तहत कहीं ना कहीं, लेकिन ये कोर्ट का फैसला था और कोर्ट के लिए ना कोई अमीर होता है ना कोई गरीब होता है, वो फैसला सबके लिए एक जैसा करती है। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो हैं वो बीजेपी के आसपास मंडराती हुई दिख रही हैं। तेज प्रताप यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, वो बीजेपी पर लगातार दोष मढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी के खेमे में ही अपने ही गुट में ही षड्यंत्र हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो फिर क्या बीजेपी का जो संगठन है वो क्यों खामोश है? और इसमें जो सुशील मोदी हैं उनको दखल देना चाहिए क्योंकि वो डिप्टी सीएम है बिहार के। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि गठबंधन है, बहुत अच्छी सुलह हो गई है। फिलहाल पहले बहुत याराना नहीं था, पहले बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे थे, लेकिन अब उनके बीच सारी सुलह हो गई है और अब
जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो यही है कि बीजेपी जो है बहुत अच्छी तरीके से, हालांकि बीजेपी ने अकेले दम पर चुनाव नहीं जीत पाई थी, इसके बाद में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था। ये गठबंधन ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, पर इसके बाद में जो अमित शाह है वो बहुत अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मनाया और फिर गठबंधन तोड़ दिया, सरकार को गिरा दिया। फिर से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन लेकर के आ गई और उसने कहीं ना कहीं मिली जुली सरकार बना ली बीजेपी बिहार में। लेकिन सवाल ये है, अगर पूरी खबर पे अगर आपको रुख कराऊँ तो पूरी खबर है बिहार में बीजेपी सैकड़ों कार्यकर्ता बागी हो गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। दरअसल बीजेपी के ये कार्यकर्ता भागलपुर से यहाँ आए थे। पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी के भागलपुर जिला अध्यक्ष रोहित पांडे को हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी इन बागी कार्यकर्ताओं को तत्काल कुछ ना हाथ ना लगा इन बागी कार्यकर्ताओं को तत्काल कुछ हाथ नहीं लगा है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा इन्हें जरूर दिया गया है। रविवार को सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पटना ऑफिस पर जुट गए हैं और दिन भर वहाँ जमे रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा है कि रोहित पांडे पार्टी संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहाँ की रोहित पांडे नशेड़ियों और निष्कासितों की पार्टी में शामिल कर रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि रोहित पांडे जिले में मनमानी कर रहे हैं और वे किसी की नहीं सुनते हैं। भागलपुर से पटना आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महिलाएं भी शामिल थीं, उन्होंने कहा कि वे लोग मन बनाकर आई हैं, जब तक जिलाध्यक्ष को नहीं हटाया जाएगा वो यहाँ डटी रहेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब कार्यकर्ताओं का विरोध बढ़ गया तो शाम 5:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने इनसे बात की। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि 3 दिन के अंदर सारे विवाद को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन कार्यकर्ता इस बात पर अड़े थे कि वो लोग परिणाम लेकर ही वापस जाएंगे। कई बार आश्वासन के बाद भी पार्टी कार्यकर्ता ठंड के बावजूद दफ्तर से नहीं हटे। आखिरकार 9:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष के साथ महानगर अध्यक्ष अभय कुमार घोष और दूसरे कार्यकर्ताओं को बातचीत की टेबल पर बुलाया गया। कई घंटे तक इस मुद्दे पर बैठकर बात चलती रही और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उनकी बातों को ठीक ढंग से नहीं सुना गया। इधर विवादों के बीच रोहित पांडे भी घटना पर पटना पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया है। इस तरीके से क्योंकि जब कोई दोषी होता है तो कई चीज़ें सामने आती हैं, वो अपना बचाव करता है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से बीजेपी के अंदर बगावत की है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और बीजेपी की जो सरकार बनी हुई है उसमें मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अभी ये जो लालू की पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं से भी मिल सकती है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है वो जान सकती है और कई जो कार्यकर्ता हैं हो सकता है कि किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं, क्योंकि असंतोष वही वहाँ जहाँ प्रकट होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ बात बनती हुई कम नज़र आती है, बिगड़ती हुई ज़्यादा आती है। अगर वक्त रहते ही अगर इन कार्यकर्ताओं का समाधान हो गया तो हो सकता है कि पार्टी को फिर कोई नुकसान ना पहुंच सके, लेकिन अगर पार्टी में प्रॉब्लम्स तभी आएंगी जब उनकी नहीं सुनी जाएगी या फिर आला कमान के पास इस चीज़ों को जिस तरीके से चीज़ें निकल के आई हैं उनकी शिकायत पहुंचती है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हो सकता है कि वो कई कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। फिलहाल में मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से देश भर में पूरे प्रधानमंत्री पीएम मोदी अमित शाह जिस तरीके से बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं, जिस तरीके से वो चाहते हैं कि हर राज्य में बीजेपी की सरकार आए, उस तरीके से रणनीति बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम अगर ख़राब करते हैं तो उनके अंदरूनी जो कार्यकर्ता हैं, जो बागी नेता हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का काम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि रणनीति पूरी समझ सोच के बनती है, लेकिन असंतोष ना हो पार्टी के अंदर ये भी एक बहुत बड़ी वजह है और इसको वही कर सकता है जिसको जिम्मेदारी दी हो, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो या फिर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, वो उन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकता है। फिलहाल बिहार में जिस तरीके की बगावत की है कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लिए,
तो इसमें खतरे की घंटी नजर आ सकती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं से, क्योंकि जो पार्टी की जो मजबूत कड़ी होती है वो होता है कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता अगर रुष्ट हो गया तो ये मानिए कि पार्टी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, और अगर पार्टी की रीढ़ की हड्डी टूटती है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पूरी पार्टी की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, पूरा प्रेशर जो आला कमान जो पूरा तहखाना होता है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाता है। और बिहार में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो आने वाले दिनों में ये बगावत कहीं बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए और फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएं और कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाए, और इसमें विपक्ष भी कहीं ना कहीं वो अपना हाथ साफ करना चाहेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।